जब भी स्पीच करते हैं बहुत दस्त और बहुत अच्छी स्पीच करते हैं, लेकिन आपकी स्पीच में एक बात होती है कि आप हमेशा दूसरे पॉलिटिशियंस को ही तनकीद का निशाना बना देते हैं। अच्छा, हमको सिखा रहा है तनकीद का निशाना बनाते हैं। आप अपने आप को सिर्फ कॉम्पिटेंट समझते हैं या आप किसी और को कोई कॉम्पिटेंट नहीं समझते? क्या सारी सॉल्यूशंस और सारी प्रॉब्लम्स आप ही सॉल्व करेंगे? क्या सारी सॉल्यूशंस आप ही के पास हैं? इसका एक ही जवाब है, हाँ। डोंट वरी, आई विल बी सेफ। इसको बंद कर दो, आपको जिंदगी में, या प्लीज ये बंद कर दें, कोई मुझे जरूरत नहीं है। इतनी ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत है? किसी ने कहा कि किसी ने आके कोई जूता फेंकना है? मैंने कहा फिक्र ना करो, मैं कैच बड़ा अच्छा कर लेता हूँ। रुको जरा, सबर करो। लेकिन फिर मैं थ्रो भी बड़ी जबरदस्त करता हूं सर, अपने आप को बचाना पड़ेगा। सर आपने सबको बुला लिया, ट्राइबल मीडिया ग्रुप को बुला लिया, आपने बड़े दुनिया आपके साथ खड़ी हुई है। आप ये डरते डरते सवाल करो, मुझे पता है आप इसमें बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगे, लेकिन फिर भी पूछ रहा हूँ। अपोजिशन बेचारी को भी साथ मिला लें उनसे, ठीक है? आपकी जितनी भी वो नाराजगी जितनी भी आपकी, वो उनको भी कहे, हो सकता है वो आपको अरबों रुपए पाकिस्तानी खातिर दे दें, मुल्क की खातिर शहबाज शरीफ गले लगा लें, जरदारी साहब गले लगा लें, करें। अच्छा, इसमें अब इसमें खतरा है। खतरा क्या है? उनको अगर साथ दिया है तो मेरी डोनेशन से ड्रॉप कर दिया। नवाज शरीफ, मैं तुम्हें अब ये आज सुन लो मेरी गौर से बात, आज से मेरी पूरी कोशिश है तुम्हें इस मुल्क में वापस लाया जाए। गरीब आदमी लाखों की चोरी करे तो वो तो बेचारा जिन हालात में जेलों में रहता है, और जो अरबों पैसा चोरी करके बाहर ले जाए, बच्चे अरबों रुपए के घरों में रहे और वो जाके वीआईपी जेल में ठहरे, तुम वापस आओ तो मैं देखता हूं तुम्हें हम कैसे रखते हैं। इमरान साहब, जो खबरें पाकिस्तान से यहाँ तक पहुँचती हैं उससे पता चलता है कि आजकल नौजवानों को बहुत उपदेश देते हैं, प्रीच करते हैं कैसे फैमिली वैल्यूज पर ध्यान देना चाहिए, ये बात सही है? कभी कभी, लेकिन आप जो लोगों को बताते हैं वो अपने ऊपर तो आपने इम्प्लीमेंट किया नहीं। जब आप नौजवान थे तब आपने क्या क्या हरकतें की थी, जब आप लंदन में रहते थे, उसका चिट्ठा तो लोगों को मालूम ही होगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। देखिए, इसलिए मेरी तरह का आदमी ज्यादा बेहतर बता, क्योंकि जिसने कभी